छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार विरोधी रोहिया का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे साल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार की कोटे में केंद्र सरकार ने कटौती की थी, साथ ही किसानों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, लगातार दूसरी साल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करता है। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार के द्वारा मांगे गए उर्वरक के कोटे में केंद्र सरकार ने कटौती किया था और हमारी मांग का मात्र 42% ही आपूर्ति किया था। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से लगभग 13,50,000 मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता बताई थी, मांग किया था, लेकिन जो हर महीने सप्लाई किया जाना था उस सप्लाई के आधार पर केंद्र सरकार अभी तक जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसका लगभग आधा ही आपूर्ति कर रही है। 13.5 लाख के बजाय मात्र 2.5 लाख मीट्रिक टन ही उर्वरक की आपूर्ति की गई है, तो इसके कारण हमारे किसानों को फिर इस साल परेशानी उठाना पड़ेगा। कहीं कहीं यह केंद्र का छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया है जिसका खामियाजा आज हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है।